हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए। भीमा में आपने देखा कोणी वेग, अब हम लोग देखेंगे कोणी त्वरण। अब कोणी त्वरण को इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो फार्मूला बनता है, यानी कोणी त्वरण का जो फार्मूला बनता है, कोणी वेग अपान समय होता है। यानी कोणी त्वरण बराबर होता है कोणी वेग अपान समय। तो कोणी वेग आपको फार्मूला बताए हैं, कोणी वेग बराबर होता है कोण अपान समय। देखिए एक समय यहाँ पहले से है और एक समय यहाँ का इसका, यानी कोण बटे जो समय होता है, कोणी वेग बराबर होता है कोण बटे समय। तो एक कोण जो है कोणी वेग बराबर होता है कोण बटे समय, और यहाँ का एक समय पहले से है, तो हो जाएगा कोण अपान समय इंटू समय। अब हम इसके मात्रक के चलते हैं, तो मात्रक क्या बन जाएगा, देखिए कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और समय है, और समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड, और समय का मात्रक होता है सेकंड, इसलिए क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको आसानी होगी इसका बीमा बनाने में। अब जानते हो रेडियन, रेडियन का जो बीमा हम बताए हैं, जब किसी रेडियन क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, एल पावर जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड है ना, सेकंड स्क्वायर है, यानी टी फॉर टाइम होता है, टी स्क्वायर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समय का स्क्वायर लिखा गया है, सेकंड का स्क्वायर लिखा गया है। टी के पावर टू नीचे है, टी के पावर ऊपर जाएगा टू, तो यही क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, टी के पावर टू जो है माइनस में हो जाएगा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोणी त्वरण, कोणी त्वरण का जो फार्मूला बनता है, कोणी यदि कोणी त्वरण को हम लोग एल्फा से प्रकट करें, तो कोणी त्वरण यानी एल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा अपान टी हो जाएगा। मित्रों इसके पहले की वीडियो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि हमने बीमा के बारे में पूरी डिटेल दे दिया है। अब हम लोग सीखेंगे फ्रिक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति बराबर होता है वन अपान आवर्तकाल, यानी कि एक बटे होता है आवर्तकाल। माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने समय कंपन करता है, कंपन की उस संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम लोग स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और अब हम लोग इसका मात्रक बनाना चाहें तो मात्रक बन जाएगा, देखिए आवृत्ति बराबर होता है एक बटे आवर्तकाल, काल मीन्स होता है समय। तो अब इसका जो मात्रक बन जाएगा कंपन प्रति सेकंड बन जाएगा। कंपन प्रति सेकंड को ही हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं, जिसको एच जेड से प्रकट करते हैं। इसलिए आवृत्ति का एक अन्य जो मात्रक बनता है, जिसे हम लोग हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। तो प्यारे मित्रों यह वीडियो हमारी कैसी लगी, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। यदि आप बीमा की क्लास को देख रहे हैं, यदि पूरी बीमा की पूरी क्लास को देखना चाहते हैं, यानी प्ले लिस्ट में जाना चाहते हैं, तो आप समझिएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते जाइए। जहाँ पर प्ले लिस्ट बना होगा एनसीईआरटी, वहीं पर आपको देखिए जो ग्रीन ग्रीन बना होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो एक प्लेलिस्ट है, ये बायोलॉजी की प्लेलिस्ट है, खुल जाएगी आपको। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी साइंस लिखा हुआ है ना, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए इंटरफेस ऐसे खुल के आ जाएगा, अर्थात जो है एनसीईआरटी फिजिक्स जो है आपको मिलेगी। अर्थात देखिए बीमा की सारी क्लास आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी। अर्थात यहाँ पर देख पा रहे हैं बीमा के जितना चीज़ बताए हैं, यानी फिजिक्स में वो सारी चीज़ आप देख पाएंगे। तो सारी वीडियो को यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो ये प्लेलिस्ट इस तरीके से आप देख पाएंगे। ऐसे बढ़ाते जाइए, पूरी जितने भी हैं टॉपिक इसमें साइंस में आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। धन्यवाद।